हेलो स्टूडेंट्स स्टू ऑन में आपका स्वागत है मैं संतोष कुमार सिंह आपका फिजिक्स मेंटर विजय फ्रॉम एन आई जलंधर मैं पंद्रह सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए और इस दौरान अगली बारी आपकी है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सिंपल हारमोनिक वेव और वेब में हम लोगों ने स्टैंडिंग uh, वेव तक पढ़ रखा था और स्टैंडिंग वेव में आखिरी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग चाहे दोनों इंड से हिंज्ड हो या एक इंड से हिंज्ड हो उन दोनों केसेस में क्या फंडामेंटल होगा कौन कौन से हारमोनिक्स मिलेंगे कौन कौन से ओवरटोन्स मिलेंगे इसकी चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में किए थे और इस पर बेस्ड हमने कहा था कि इसको जो क्वेश्चन हम देंगे उसको आप लोग करके आइएगा वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं देखिए क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको दिया था द लेंथ ऑफ द वायर सोन इन फिगर बिटवीन द पुली इज 1.5 मीटर एंड इट्स मास इज 12 ग्राम फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट विच द वायर वाइब्रेट इन टू लूप दो लूप में वाइब्रेट कर रहा है लिविंग द मिडिल पॉइंट एज ए नोड तो देखें आप यहां से हम लोग लिखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टू एंड नोट दो लूप में मूव कर रहा है और दोनों एंड से हिंस है तो टू इन टू अब एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल अंडर रूड टी बाई म्यू टू से टू कैंसिल हो गया अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं वन अपॉन एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज वन पॉइंट फाइव और अंडर रूड टी टी इज द नाइन्टी न्यूटन देखिए यहाँ पे जो खिंचाव होगा यहाँ पे नब्बे न्यूटन से होगा एम जी इधर भी नाइन्टी इसमें जो खिंचाव होगा वो नाइनटी न्यूटन से होगा तो टेंशन होगा इसमें टेंशन इज इक्वल टू 19 इंट डिवाइड बाई म्यू म्यू इज द लिनियर मास डेंसिटी अब आप देखिए म्यू 1.5 मीटर का जो मास है वह 12 ग्राम दिया है तो एक मीटर का मास क्या होगा तो कहेंगे 12 ग्राम है तो 12 इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री और होल डिवाइड बाई 1.5 पॉइंट फाइव तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये 70.7 पॉइंट सेवन हर्ड्स दिस विल बी एंसर ऑफ द फ्रिक्वेंसी फॉर स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी 70.7 सेवेंटी पॉइंट सेवन हर्ड्स होगी यदि यही तीन लूप में ऑक्सीलेट करता तो थ्री एंड नॉट के बराबर फोर लूप में तो फोर एंड नॉट तो वही फ्रीक्वेंसी बन जाती ठीक है moving to the next question a wire of density 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube is stressed between two, two clamps 1 meter apart and subjected to a extension of 4.9 into 10 to the power minus 4 meter वॉट विल बी द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये आपसे पूछा है जिसकी वैल्यू होती है वन अपॉइन्ट टू एल अंडर रूड टी बाई म्यू तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज ऑस्क इन द क्वेश्चन वाइब्रेट विच कैन सस्टेन इन द वायर यंग्स मॉडुलस दे रखा है आपको देखिए यंग्स मॉडुलस बराबर हम लोग लिखेंगे कितना टेंशन लग रहा है वायर में टेंशन अपॉन एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल तो यहां से टेंशन इज इक्वल टू तो यदि हम लिखें कि टी इज इक्वल टू तो क्या होगा तो लिखेंगे वाई एन टू डेल्टा एल बाई एल यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर एंड एरिया uh, को हम ए ही के ही फॉर्म में रखते हैं या चलिए लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे एक ही बार लास्ट में पुट करेंगे उसमें जो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ठीक है अब यहाँ पे वन अपॉन टू एल टेंशन की वैल्यू देखिए टेंशन इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल बाई म्यू एंड म्यू इज़ इक्वल टू हमको पता है और डेंसिटी इंटू एरिया ये बार बार यूज हो चुका है ये पहली बार तो है नहीं कि जो हमें रो इन एरिया एरिया गेट कैंसिल आउट और यहां से हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू एल इज वन मीटर अंडर उड यंग्स मॉडुलस नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू डेल्टा एल एक्सटेंशन आपको दे रखा है 10 4, 1, density, 10 yeah, right तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए नाइन से नाइन कैंसिल हो जाएगा आसानी से तो योर आंसर यदि नाइन से नाइन कैंसिल होगा टेन टू पावर थ्री ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टेन टू पावर सिक्स फोर पॉइंट नाइन है टेन टू द पावर माइनस फोर है तो देखिए ये नाइन से नाइन कैंसिल कर दिया मैंने देट इज़ इक्वल टू वन बाई टू अब टेन टू दावर थ्री टेन टू दावर सिक्स बचा टेन टू द पावर माइनस फोर तो यहाँ से आपका हो जाएगा टेन टू द पावर फोर माइनस फोर और यहाँ पे माइनस सिक्स यहाँ बचा टू टेन टू दावर वनली टू बचेगा टू बचने से ये हो जाएगा आपका फोर पॉइंट नाइन भी है तो इसको जीरो देगा सेवन बाहर आ जाएगा इंटू सेवन और फोर थ्री हो जाएगा आपका सेवन थ्री बचेगा ना थ्री और यहां से टू तो नाइन और ये आपका हो जाएगा इंटू कैंसिल कीजिए नाइन नाइन कैंसिल टेन टू दावर थ्री कैंसिल कैलकुलेशन के बाद कहीं तो वैल्यू गड़बड़ तो नहीं ना पुट अच्छा यहाँ पे बेटा टेन है दिया हुआ ओहो यहाँ पे टेन है टेन होने से क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट टेन जो आ रहा था वही रूट से बाहर टेन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सेवेंटी बाई टू विच इज थर्टी फाइव ओके सिर्फ कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में बाकी ये जो कंसेप्ट था यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना था और बाकी सारी वैल्यू आखिरी में पुट कर देंगे आखिरी में पुट करने से आपको हो क्या होगा एरिया का टर्म कैंसिल हो जाएगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फोर लोक विद्रीक्वेंसी ऑफ फाइव हंड्रेड हर्ट इटमीन्स फोर एन नॉट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड हर्ट वॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन नॉट इज इक्वल टू 125 ट्वेंटी फाइव फर्ट्स अब पूछा है वॉट इज द फ्रीक्वेंसी विट कॉस्ट टू वाइब्रेट इन सिक्स लूप तो सिक्स लूप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स एंड एस इज इक्वल टू सिक्स एंड नॉट विच इज सिक्स इन टू वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड 50 हर्ट्स, ओके okay? तो ये दोनों पार्ट के दोनों आंसर हो गए बहुत आसान क्वेश्चन था ये नेक्स्ट टॉपिक इज सोनोमीटर सोनोमीटर क्या है तो लिखेंगे सोनोमीटर इज ए डिवाइस यूज To measure speed of transverse wave in string. देखिए इसमें क्या होता है एक लकड़ी का बोर्ड होता है ऐसे और यहाँ पे एक ऐसे पोली से ऐसे सब स्टैंडर्ड होता है और इससे इस, इस पोली से होते हुए एक वायर और यहाँ पे एक ऐसे पैन बना होता है उस पैन से सिलेट और यहाँ पे वेट यहाँ रखा जाता है पैन पे लेट से एम के जी का मास यदि रखा हुआ है तो हम लिखेंगे इसमें जो टेंशन होगा एम जी होगा अब देखिए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में देखिए आप जब स्कूलिंग सिस्टम में जब देखेंगे तो यह स्कूल में भी दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे ऐसे बच्चों स्केल बने रहते हैं इस लकड़ी के बोर्ड पे ऐसे स्केल बने होते हैं देखिए क्या होता है समझते हैं और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉक अब ये दो पिन पॉइंटेड ऐसे ये लकड़ी के दो गुटके कह सकते हैं रखे रखे लेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एफ है और इसका एन एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक टी एफ यानी ट्यूनिंग फॉक अब जब यह वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के समय आप ध्यान देंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक मैचेस विद फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग यदि स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वह उसको इसी उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीट कराना शुरू कर देगा जब ऑक्सीट कराना शुरू करेगा यानी मान लीजिए कि इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती किन कि इनका लेंथ कितना है टेंशन कितना है तो देखो एक एक जो गुटका है बच्चों उसको फिक्स कर देते हैं तो यहाँ से ये यह पोजीशन जो है फिक्स हो गया इसके साथ दूसरे को मूव करते हैं तो जैसे देखिए ऐसे मूव करके करते क्या है यदि इसको मूव करेंगे तो सेट करेंगे इसका फंडामेंटल चूंकि फंडामेंटल होता है एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई मी अब देखिए लेंथ को यदि हम आगे पीछे करेंगे यदि लेंथ को यदि हम बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ के बीच का तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नीचे जाएगी और इधर घटाएंगे तो ये बढ़ेगा तो करते क्या है पहले इसको सेट करते हैं इधर उधर शिफ्ट करके लेट से इसको यहाँ पे रखा और देखा कि यह मान लिया कि तीन लूप में या एन लूप में ऑक्सीट करने लगा सेट करने के बाद हुआ क्या कि एल सेट किया मान लिया कि इसकी फ्रिक्वेंसी दस हर्ट्स हैं और इसकी हिन्न फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक की तीस हर्ट्स है तो इससे क्या होगा इसको इधर उधर मूव करने से यह ऑक्सीट करना शुरू कर देगा तीन लूप में क्योंकि इससे मैचिंग हो जाएगी जैसे ही मैचिंग होगी लेंथ सेट होगा जैसे ही दस हर्ट्स बनेगा एन नॉट ये तीन लूप के साथ मैच करेगा और यह तीन लूप में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा यह हुआ जब तीन लूप में ये ऑक्सीलेट करेगा तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी एन एफ मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग एन एस के बराबर होगा विच इज इक्वल टू तो थ्री एन नॉट ओके okay? अब इसको देखो क्या करते हैं बेटा इसको आगे शिफ्ट करिए या पीछे दोनों में से कोई एक भी जैसे ही यह स्टेशनरी वेव या जैसे यह मैच हुआ जैसे यह रेजोनेट किया रेजोनेंस में आया फिर उसके बाद ध्यान दीजिए इसको हम आगे की तरफ मूव करते हैं और जैसे ही हम आगे की तरफ मान लिया कि यहां पे हमने इसको लेके आए और देखा फिर मैचिंग हुआ और एक लूप के साथ और ऑक्सीलेट करने लगा तो यह जो लेंथ है स्केलिंग दिया हुआ यह है यह लेंथ हम मेजर कर लेते हैं मेजर्ड मेजर्ड वैल्यू वैल्यू और एल कितना होगा फिर जब अगला निश्चित रूप से जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे चार लूप में ऑक्सीलेट करेगा और पीछे करेंगे तो दो लूप में तो दो लूप में, तो में यदि पीछे किया दो लूप में देखा ऑक्सीट करना शुरू कर दिया तो फिर यह लेंथ मेजर कर लेंगे आसानी तो यहां से जैसे एल यह हमने रीडिंग ले लिया एल हमारा नेक्स्ट रेजुनेटिंग फ्रीकुन्सी के लिए या जो कॉर्क है या, या ये लकड़ी का जो गुटका है इसको हम आगे बढ़ाने पे नेक्स्ट रेजुनेटिंग फ्रिकवेंसी मिलता है यानी यहाँ से लेंथ मेजर करिए तो एल इज़ इक्वल टू लेमडा बाई टू यहाँ से ये यह कैलकुलेट हो जाएगा और लेमडा के वैल्यू टू यानी इस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले हमारा वेवलेंथ कैलकुलेट होता है एन एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक और एन एफ आपको दे रखा है देन वी इज इक्वल टू एन एफ इन टू लेमडा विच इज इक्वल टू एन लेमडा या एन एफ इन टू टू एल कर देंगे तो वी कैलकुलेट होते अब इस पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि स्पैन पे वेट को चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा तो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे जो कि हम लोग आगे देखें ध्यान दीजिए एक ये जो सोनोमीटर है यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके हेल्प से हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड स्ट्रिंग में कैलकुलेट करते हैं जिसका ये सारा स्ट्रक्चर रहा किस तरीके से कैलकुलेशन होता है सबसे पहले हम लोग लेमडा कैलकुलेट करते हैं और ट्यूनिंग फॉक की फ्रिक्वेंसी दी होती है देन हम उससे मल्टीप्लाई करके ट्रांसवर्स वेव स्पीड लेते हैं ठीक है इसको आप लोग लिख लिखिए अच्छा लिखिए जल्दी से लिख लिया आपने आगे देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या है वायर हैविंग सोनो लेंथ 1.5 मीटर बिटवीन द ब्रिजेस वही जो कॉर्क की बात करें ब्रिजेस यानी इनके और इनके बीच का जो लेंथ है वह 1.5 मीटर है एंड इट्स सेकेंड हार्मोनिक इन रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स हर्ट्स और यह टू एन नॉट की बात कर रहा है सेकेंड हारमोनी में. वॉट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वे देखिए एन नॉट इज इक्वल टू टू इन टू वी बाई टू एल होता है यहाँ पे फंडामेंटल दैट इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स टू गेट कैंसिल आउट और एल इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव तो यहाँ से वी इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स इन वन पॉइंट फाइव इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और इतना मीटर पर सेकेंड आएगा ठीक है बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये और चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन भी आप कर लीजिएगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए सोनोमीटर वायर एट सेवेंटी सेंटीमीटर सेपरेशन बिटवीन द क्लैम ए सर्टेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस फॉर द वेट एम हैंगिंग फ्रॉम ए वायर तो अब देखिए क्वेश्चन में ये है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये एक सर्टेन वेट है इस पुली के थ्रू ये जो पुली लगा हुआ है यहां से ये यह जो वेट है वह एक सर्टेन वेट है लेट से एम दिया है कैपिटल एम इट मीन्स वॉट जो टेंशन T इज इक्वल टू होगा वह एम जी होगा और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू और म्यू की वैल्यू सॉरी एम की टी की वैल्यू आप एम जी रखेंगे सत्तर सेंटीमीटर है तो 70 सेंटीमीटर को चलिए बाद में पुट करते हैं अभी इफ़ एम इज समर्स इन टू वाटर यदि अब इसको पानी में रख दिया जाएगा अब पूरा का पूरा समर्स करने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बायट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा और एम पहले आपका डाउनवर्ड था वो तो वैसे ही बना रहेगा पर बायट फोर्स लगने से बायोट फोर्स अपवर्ड लगेगा तो ऑल ओवर जो टेंशन है वह रिड्यूस हो जाएगा तो टी प्लस एफ बराबर अब एम हो जाएगा इससे क्या होगा कि T बराबर एम जी माइनस एफ बी और एफ बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कि पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी अब देखिए पूरा वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखें एम जी ध्यान दीजिएगा एम जी माइनस पूरा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी सॉरी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इससे क्या होगा एम देखिए आपका कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बचा वन माइनस रो एल बाई रोएस रोएल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रोएस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड अब यानी उस वेट का मार जो डेंसिटी है उसकी बात कर रहा है कह रहा देन सेपरेशन हैज बीन चेंज बाय फाइव सेंटीमीटर ध्यान दीजिएगा इफ एम इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर इस ब्लॉक को यदि पानी में समझ करते हैं तो निश्चित रूप से टेंशन हमारा हो, क्या हो गया रिड्यूस हो गया जब टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी तो कह रहा है कि <coughs> फ्रीक्वेंसी व्हाट आर द टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लैम सेपरेशन हैज टू चेंज बाय फाइव सेंटीमीटर तो अब फाइव सेंटीमीटर से इसका जो लेंथ है वो रिड्यूस हो गया कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हैंगिंग मास, तो so, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट अप कीजिए क्या करना है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं और जब बराबर होंगी तो पुट कीजिए इनिशियल एन नॉट बराबर एन नॉट डैश लिख दिया हमने और यहां से एन नॉट की जो वैल्यू है लिखते हैं वन अपॉन टू एल अंडर उम जी बाई म्यू विच इज इक्वल टू एन नॉट डैश वन अपॉन टू एल डैश अंडर रूड देखिए रख रहा हूं मैं एम जी क्योंकि ये वैल्यू को लेट से मैं टी डैश लिख देता हूँ चलिए टी डैश अपॉन म्यू तो एम जी वन माइनस रो एल बाई रो एस और होल बाई म्यू म्यू मु तो चेंज होगा नहीं म्यू गेट कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से टू और टू कैंसिल आउट हो गया अब इसको आपको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो रो एस की वैल्यू रो एल की वैल्यू तो दे रखा है रो एस की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा सेवन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री प्लस पर मीटर ठीक है आपको आप आपके आपको ये जो वैल्यू है रोयल बाई रो एस है न तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द हैंगिंग मास तो रो एस इज इक्वल टू यहाँ पे रोयल की वैल्यू एक हज़ार पुट कीजिएगा और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ये आएगी एल की वैल्यू ध्यान रखिएगा एक जगह सिक्सटी फाइव पुट करना है एक जगह सेवेंटी पुट करना है यानी एक जगह पॉइंट सिक्स फाइव एक जगह पॉइंट सेवन ये वैल्यू आप पुट करेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज बाई सिक्सड हर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाय सिक्स बाई सीज इन टेंशन बाई फोर्टी फोर टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू इसको एक क्वेश्चन नंबर वन बोला हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बाई सिक्स हर्ड यानी एन नॉट प्लस सिक्स कब जब चाल चौवालीस परसेंट से बढ़ा दिया गया तो वन अपॉइंट टू एल अंडर रूड टी टी देखिये मैं लिख रहा हूं बच्चों वन पॉइंट फोर फोर टी अपॉन यू इक्वेशन नंबर सेकंड कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट फाइंड द चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इफ वन ऑफ द क्लैंप इज डिस्प्लेस टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई ट्वेंटी परसेंट विथ इनिशियल टेंशन इन वायर तो इसको डिवाइड कर दीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए लिखेंगे एन नॉट अपॉन एन नॉट प्लस सिक्स इज इक्वल टू तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसको आ, वन अपॉन वन पॉइंट फोर फोर रखेंगे और टी और म्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो ये वन पॉइंट टू हो जाएगा इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन नॉट प्लस सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए वन पॉइंट टू एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट प्लस सिक्स यहाँ से हो जाएगा पॉइंट टू एन नॉट इज इक्वल टू सिक्स दिस इम्प्लाई दैट एन नॉट इज इक्वल टू सिक्स अपॉन पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट टू रखेंगे तो ये आ जाएगा थर्टी हर्ट्स। हाँ, क्लियर? अच्छा अब क्वेश्चन में अब देखिए ये दिया फाइंड द चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर व्हेन वन ऑफ द क्लैंप इज डिस्प्लेस टू इंक्रीज द लेंथ बाय ट्वेंटी परसेंट यदि ट्वेंटी परसेंट से यदि बढ़ जाएगा तब क्या होगा तो बढ़ाइए ट्वेंटी परसेंट से देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताया हमें अदरवाइज देखिए इधर ट्वेंटी परसेंट से बढ़ने का मतलब क्या है कि एन नॉट डैश इसको लिख दिया हमने यह वैल्यू ध्यान रखिएगा दैट इज इक्वल टू थर्टी हर्ट्स ये आ चुका है अच्छा एन नॉट डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ट्वेंटी परसेंट से बढ़ेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे वन पॉइंट टू एल अंडर उड टी बाई म्यू तो वन पॉइंट टू छोड़ते हुए सारी वैल्यू को हम लोग लिख देंगे थर्टी डिवाइड बाई वन पॉइंट टू और यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा बारह से यदि ऐसे कटें टू तो ट्वेंटी फाइव हर्ट्स तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है एन नॉट इज इक्वल टू थर्टी हर्ट्स और बाद में हो गया एन नॉट डैश ट्वेंटी फाइव हर्ट देन चेंज इन फंडामेंटल डेल्टा एन नॉट इज इक्वल टू थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव हर्ट्स दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है था ये? और या पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आ चुके भी हैं आइए देखते हैं स्टेशनरी वेब इन ऑर्गन पाइप ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेब या स्टेशनरी वेब फॉर्मेशन कैसे होता ऐसे है ऑर्गन पाइप समझिए कि एक पाइप होता है जैसे बांसुरी आप देखे हैं ना वैसा ही होता है ये और उसको आप ऑर्गन भी कह सकते हैं देखिए होता क्या कि उसमें पूरा का पूरा दोनों इंड ओपन होता है एक सिलेंड्रिकल होगा वो ऐसे शेप में और दोनों इंड ओपन होगा एक साइड से साउंड जैसे फूंक लगाते हैं तो देखते हैं कि एक आवाज़ बन आती है डिपेंड करता है देखते हो ना ऐसे ऐसे करके उंगलियां करके ऐसे ऐसे बजाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पिच के साउंड ऐसे निकलता रहता है तो है क्या कि ऑर्गन पाइप में कैसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है उसको समझते हैं देखिए और हम लोग ये भी समझेंगे कि एक होल दो होल बंद करने से कैसे फ्रीक्वेंसी अप या डाउन होती है उसका भी हम लोग फिजिक्स में क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग समझेंगे देखिए ऑर्गन पाइप है क्या बच्चों तो ऑर्गन पाइप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इसको हम लोग सी ओ पी से लिखते हैं और दूसरा है ओपन आर्गन पाइप जिसको हम लोग डबल ओपी से लिखेंगे ओपन आर्गन पाइप क्लोज आर्गन पाइप में एक एंड क्लोज रहेगा और एक इंड ये वाला इंड ओपन और एक इंड क्लोज रहेगा ध्यान रखिएगा ये जियोमेट्री होती है तो कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप यदि ओपन आर्गन पाइप की बात करते हैं तो दोनों इंड ओपन होना चाहिए ओपन आप लोग देखते होंगे या आप लोग किए भी होंगे जो पेन का कैप होता है उससे भी आप लोग सीटी जैसी आवाज़ एक विशिल जैसी आवाज निकलती है है ना तो वही है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे ऑर्गन पाइप क्या है तो ऑर्गन पाइप के हेल्प से है ना स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन फॉर साउंड इस फिनोमिना को हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बनता है ठीक है लिखें आप इसे आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप आफ्टर दैट ओपन आर्गन पाइप स्टेशनरी वे भी इन क्लोज आर्गन पाइप देखिए ये है बच्चों क्लोज आर्गन पाइप हम्म सबका लेंथ हम लोगों ने एक ही कंसिडर किया है देखिए एल लेंथ कहें अब यहां पे कोई एक साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूनिंग फॉक है ठीक ये ट्यूनिंग यह अब यहां से मिनिमम पॉसिबल जो रेजोनेट करेगा या ट्यूनिंग फॉक से ये जो फ्रीक्वेंसी जो मैच करेगी देखिए सबसे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी तो कहेंगे कि यहां पे रेयर एंड है यहाँ पे एंटी नोड बनेगा और यहाँ से वेव जब जाएंगी तो रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो यहां निश्चित रूप से इस बाउंड्री पे नोड बनने वाला है और यहां पे एंटी नोड बनने वाला है कलर मैं चेंज कर पाता हूँ रेड कलर लेता हूँ ज्यादा विजिबल होगा अच्छे से एंटी नोड और यहाँ पे बनेगा नोड ध्यान सुनिए यह फिनोमिना कैसे होगा तो कोई भी वेव जाएगी तो ऐसे टकराएगी और वापस ऐसे तो यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड यह देखिए बच्चों लेंथ एल है यहाँ से हम लोग देखेंगे एल इज इक्वल टू ध्यान से देखिए क्या ये लेंथ सिर्फ लेमडा बाई फोर है पूरा वेव फॉर्मेशन नहीं है एक चौथाई है तो दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू फोर एल और यहाँ से यदि हम एन नॉट इज इक्वल टू तो लिखें तो वी बाई लेमडा या वी बाई फोर एल लिखते हैं ध्यान दीजिएगा वी इज द स्पीड ऑफ साउंड है यहाँ वी बराबर अंडर टी बाई म्यू नहीं होगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्योंकि v इज इक्वल टू यहां पे अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई रो याद आओगे हो गया होगा आपको कि साउंड में साउंड वेलोसिटी क्या होती है या गामा पी बाई रो या अंडर रूट गामा आर टी बाई एम ठीक है ये होगा अब ये तो एक लूप में ऑक्सीलेट किया तब तो, यदि एक से ज्यादा लूप में ऑक्सीलेट करेगा यानी नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो कहेंगे देखिए ये ऐसा होगा दिखाई दे रहा आपको ये देखिए यहां पे नोड एक नोड यहां पे यहां तो बनेगा ही बनेगा और यहां पे एंटी नोड और एंटी नोड लेंथ एल जैसे स्ट्रिंग के केस में किया था स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग वैसे स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन ऑर्गन पाइप यहां के लिए साउंड वहां पे था स्ट्रिंग या ट्रांसवर्स वेव के लिए तो ये एल लेंथ ये देखिए लेमडा बाई फोर और ये लेमडा बाई टू दोनों ऐड किया तो एल बराबर क्या आया थ्री लेमडा बाई फोर दैट लेमडा इज इक्वल टू फोर एल बाई थ्री यहां से एन वन लिखेंगे एन वन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा या वी व्हीॉन फोर लेमडा की वैल्यू फोर एल बाई थ्री और देखिए वी बाई फोर एल इज इक्वल टू एन नॉट है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एन वन इज इक्वल टू थ्री एन नॉट तो ये तो हमारा था फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये देखिए यहां पे है थ्री एंड नॉट है यानी टू एंड नॉट मिला ही नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज आर्गन पाइप में में इवेन वाले हार्मोनिक्स नहीं मिलते आगे देखेंगे कि फोर भी नहीं मिलेगा देखिए यहां पे थ्री यानी थर्ड हार्मोनिक और पहली बार रिपीटिशन है इसलिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन अच्छा यदि हम बात करें कि अगला नेक्स्ट क्या होगा तो देखिए तो तो एक नोड और हम बीच में बनाएंगे ये देखिए कुछ ऐसा होगा यहां पे भी देखिए नोड लेंथ वही है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप चेंज नहीं कर रहे हैं ये देखिए छोटा छोटा वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है एन एन और यहां पे एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड। ये है लेमडा बाई फोर ये लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू तो लेमडा प्लस लेमडा बाई फोर एल इज इक्वल टू फाइव लेमडा बाई फोर दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू फोर एल बाई फाइव और यहां से एन टू नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एन टू इज इक्वल टू देखिए भी बाई लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू फोर एल बाई फाइव और विच इज इक्वल टू फाइव एंड नॉट तो हम क्या कहेंगे यहां से फिफ्थ हार्मोनिक मिल गया फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवर तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइव वनली ऑड हार्मोनिक्स विल ऑप्टेन वेयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी वी बाई फोर एल एंड वी इज इक्वल टू अंडरवुड टी बाई म्यू नहीं ध्यान दीजिएगा टी बाई म्यू नहीं यहां साउंड की वेलोसिटी है साउंड का एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसलिए साउंड की वेलासिटी अंडरवुड बी बाई रो गामा पी या अंडरवुड आर टी बाई क्लियर है ना तो क्लोज का जो केस है ऐसा बिहेवियर आप और स्ट्रिंग के केस में देखें तो सिमिलर केस मिलता है स्ट्रिंग में पर कब जब एक एंड उसका हिंस होता है और एक एंड फ्री होता वैसा है वैसा ऐसे हार्मोनिक्स उसमें भी मिलते हैं ओनली ऑड हार्मोनिक्स क्लियर तो चलिए यानी अब देखिए थर्ड हार्मोनिक आपको सेवन एंड नॉट पे मिलेगा ना यानी टू एन प्लस वन चल रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप लिखिए इसे लिखिए फटाफट तो स्टेशनरी वे फॉर्मेशन इन ओपन आर्गन पाइप ओपन आर्गन पाइप यानी बोथ इंड इज ओपन ये देखिए दोनों इंड ओपन है फॉर्मेशन कैसा होगा मिनिमम पॉसिबल यहां पे तो एंटी नोड क्लियर है यहां पर भी एंटी नोट बनेगा अब बात आती है नोट तो एक बीच में नोट डाल दीजिए तो देखिए मिनिमम पॉसिबल आपका ऐसा होगा यहां पे देखिए नोट लेंथ आपका एल तो एल इज इक्वल टू देखिए क्या बना तो ये लेमडा बाई फोर और ये भी लेमडा बाई फोर दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई टू दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू टू एल और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू वी बाई लेमडा लेमडा इज इक्वल टू टू एल ये आपकी हो गई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहेंगे ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट हारमोनी और आप देखें उस केस में था वी बाई फोर एल इस केस में हो गया वी बाई टू एल याद रखने के लिए कितना काफी है और सुनिए अगला क्या होगा तो यहां पे तो एंटी नोड यहां पे भी एंटी नोड अब दो नोट बीच में डालना होगा तो एक नोट यहां डालिए एक नोट यहाँ क्योंकि नोट से नोट के बीच की दूरी ज्यादा रखनी होगी क्योंकि लेमडा बाई टू होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ओके ऐसा तो देखिए यह लेंथ आपका एल ही रहेगा लेमडा बाई फोर लेमडा बाई फोर, फोर और लेमडा बाई टू तो एल इज इक्वल टू तो डा दिस इम्प्लाई दैट एन वन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा तो वी बाई लेमडा यानी लेमडा इज इक्वल टू एल तो वी बाई एल लिख दिया अब दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वी बाई टू एल इज इक्वल टू एन नॉट एन नॉट रख दिया एन वन इज इक्वल टू टू एन नॉट देखिए जब फर्स्ट ओवर टोन मिला वह सेकेंड हारमोनी पे ही मिल गया फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोन। और देखिए अगला केस एक और बनाकर चेक कर लेते हैं फिर जनरलाइज फॉर्म हम लोग सोच लेंगे क्या होना चाहिए तो यहां पे हमें तीन डालना होगा ठीक लेंथ आपका वही एल है यहां देखिए नोड 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 और ये सारे पॉइंट है एंटी नोड के एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड. अब आप देखें देखिये ये लेमडा बाई फोर लेमडा बाई फोर लेमडा बाई टू और ये देखिए लेमडा एल इज इक्वल टू थ्री लेमडा बाई टू दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री और यहां से हम लोग लिखेंगे एन टू इज इक्वल टू बाई लेमडा लेमडा इज इक्वल टू बच्चों टू एल बाई थ्री और ये देखें ये आपका हो गया एन नॉट तो एन टू इज इक्वल टू थ्री एंड नॉट और थ्री एंड नॉट मिलते ही इसको हम लोग लिखेंगे दिस वन इज कॉल्ड थर्ड ओवरटोन सॉरी थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड होमवर्ड। यानी इसका मतलब क्या है देखिए एन नॉट मिला टू एन नॉट थ्री एंड नॉट ऐसे फोर एंड नॉट फाइव एंड नॉट यानी ओपन आर्गन पाइप के केस में सारे के सारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, जहां पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी बाई टू एल होता है या किसकी तरह एनालॉग है तो कहेंगे कि जो स्ट्रिंग दोनों एंड से हिंसड होता है उसका एक एनालॉग है कह सकते तो कहेंगे इन केस ऑफ ओपन आर्गन पाइप ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल ऑप्टेन वेयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू भी बाई टू एल एंड इज इक्वल टू रूट बी बाई रो रूट गामा पी बाय या रूट गामा टी बाई रो क्लियर है लिखिए इसे आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं रेजनेंस ट्यूब के बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ रखा है देखिए क्वेश्चन देखिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज आर्गन पाइप देखिए एक क्लोज आर्गन पाइप बना लीजिए ये हो गया जिसका लेंथ एल है इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप इसका लेंथ एल अच्छा क्लोज वाले का एल सी कह दिया और ओपन वाले का एल कह दिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज डार्गन पाइप यानी एन नॉट इज इक्वल टू भी बाई फोर एल होता है फोर एल सी इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवर टोन फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप तो फर्स्ट ओवर टोन यानी एन वन इज इक्वल टू एन वन किस पे मिलता है टू एन नॉट पे ही मिल जाता है टू इंटू एन नॉट इज इक्वल टू भी बाई टू एल और लेंथ ऑफ ओपन आर्गन इफ द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज एल ओ बराबर ये दे रखा है सिक्सटी सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ क्या होगा तो यदि देखिए यहां पे यदि मैं लिखूं ओपन आर्गन पाइप के केस में यदि यदि इफ द लेंथ इज़ दिस अब इक्वल टू है तो पहले दोनों का बराबर कर दें तो एन नॉट इज इक्वल टू एन वन एज पर दिस क्वेश्चन तो वी बाई फोर एल सी क्योंकि साउंड की स्पीड तो चेंज होगी नहीं इज इक्वल टू टू भी अपॉन टू एल जीरो या जीरोलो टू टू कैंसिल आउट एंड भी आल्सो कैंसिल आउट तो यहां से एल सी बराबर बाई फोर विच इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर दैट विल बी योर क्लियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्गन पाइप आर उन्नीस सौ एंड टू नाइन सक्सेसिव यानी मान लिया कि एक पी पी लूप में हो रहा है ऑक्सीलेट और एक हो जाएगा पी प्लस वन लूप तो ओपन आर्गन पाइप है ना जस्ट अगला मिलेगा इसके बाद तो यानी इसका जो n नॉट होगा तो कहेंगे कि पी प्लस वन इसकी फ्रिक्वेंसी माइनस पी एन नॉट यहाँ से घटाएंगे तो ये वैल्यू एन नॉट आ जाएगी और एन नॉट इज इक्वल टू वन देखिए टू फाइव नाइन टू माइनस वन नाइन फोर फोर यदि इसको घटाए यहां से तो ये बचेगा आठ और यहां से हो गया चार और सिक्स एंड नॉट इज इक्वल टू दिस आठ चार बारह नौ और फिर पंद्रह ठीक फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब विच इज इक्वल टू वी बाई टू एल ओपन आर्गन बाइपे वी इज इक्वल टू दे रखा है आपका थ्री ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू एल ओ यहां से यदि इसको सॉल्व करें एल ओ इज इक्वल टू तो देखिए ये नीचे आ जाएगा टर्म थ्री ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू इनटू सिक्स फोर्टी एट ये देखिए जाएगा टू वन बाई फोर ये वन बाई फोर हो गया विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पॉइंट टू फाइव मीटर आएगा तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लिख देंगे दैट विल बी योर आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लोज आर्गन पाइप ऑफ लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर कट इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स ऐसे कट कर दीजिए एक का लेंथ आप मान लीजिए एक देखिए जब कट करेंगे क्लोज आर्गन पाइप को तो दो पार्ट बनेंगे एक ओपन बन जाएगा इस एंड से ओपन और इसके साथ क्लोज तो एक का लेंथ यदि एक्स मान लिया क्लोज जो बनेगा तो ओपन वाले का हो जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पार्ट इज फाउंड टू बी सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवर देखिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लोज पार्ट तो क्लोज पार्ट का फंडामेंटल लिखेंगे बाई फोर फोर एल तो एक्स इज़ इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवर टून ऑफ द ओपन पार्ट यानी टू एल नॉट यानी टू भी बाई टू एल और एल ऑफ ओपन का तो लिखेंगे हंड्रेड माइनस एक्स सॉल्व कीजिए और एक्स बराबर बताइए तो एक्स बराबर कैलकुलेट करके हमें बताइए जल्दी से कितना आएगा देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिखेंगे हंड्रेड माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स डिस इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी क्लोज पार्ट का जो लेंथ होगा क्लोज्ड पार्ट उसका लेंथ होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर और यदि ओपन पार्ट की बात करें तो उसका लेंथ होगा एट्टी सेंटीमीटर ठीक है एट्टी सेंटीमीटर बात करते हैं इंड करेक्शन की ध्यान दीजिएगा देखिए इंड करेक्शन क्या है कि जो हम इंड पे एंटी नोड पाते हैं पर वह एंटी नोड एग्जैक्टली इंड पे न मिलके थोड़ा कुछ बाहर मिलता है ऐसे ऐसा क्यों क्योंकि डेंसर एरर की बाउंड्री होने से एंटी नोट की जो वैल्यू है थोड़ा सा कुछ माउथ के ये जो माउथ है पाइप का उसका तो जस्ट थोड़ा आगे मिलता है और यहाँ पर रेयर डेंसर की बाउंड्रिंग होती है क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे जो साउंड वेव जो कि प्रेशर वेव की तरह बिहेव करता है तो इसका प्रेशर डिफरेंस जस्ट यहाँ पे नहीं क्रिएट होता है यहाँ से रेरर मीडियम की फिर उसके बाद वेव ऐसे स्क्वेटर्ड होना शुरू होती है मतलब साउंड ऐसे स्क्वेटर्ड होना शुरू होता है यानी ई की जो वैल्यू है या इसी को पहली बात हम कि इंड करेक्शन बोलते हैं इंड को करेक्ट कीजिए इंड करेक्शन और ई की वैल्यू बच्चों पॉइंट सिक्स आर तो जीरो पॉइंट सिक्स आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो बस ध्यान देंगे कि जब ओपन का केस होगा तो दोनों इंड पे इंड करेक्शन होने वाला है यानी यहां पे भी और यहां पे भी ऐसे कुछ ऐसे यानी ई यहां पे भी कुछ इंड करेक्ट होगा और यहां पे भी इससे क्या चेंज आएगा ध्यान दीजिए जैसे यहां पे भी बाई फोर लिखते हैं ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा चेंज आएगा देखिए क्या फंडामेंटल से जो चेंज आएगा वैसे आगे ही सेम सिमिलर ऑर्डर में बाकी में भी ऐसे ही चेंज आना शुरू होगा तो देखिए यदि मैं इस लेंथ को यदि एल कहूँ तो ये जो लेमडा बाई फोर है ना वैल्यू लेमडा बाई फोर इज इक्वल टू एल नहीं एल प्लस ई होगा ये पूरा लेंथ तो लेमडा इज इक्वल टू फोर टाइम्स एल प्लस ई होगा तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी बाई फोर एल जो लिखते थे जो कि एन नॉट के बराबर तो एन नॉट इज इक्वल टू वी बाई और बाकी सारे इसी ऑर्डर में चेंज हो जाते हैं इंड करेक्शन जब यहाँ पे बात करेंगे यदि इस लेंथ को यदि एल कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एल प्लस टू ई बराबर लेमडा बाई फोर लेमडा बाई फोर दट इज इक्वल टू लेमडा बाई टू एल प्लस टू ई तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू टू टाइम्स एल प्लस टू ई लिखते हैं और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इस केस में वी बाई लेमडा तो यहां पे टू एल नहीं टू टाइम्स एल प्लस टू ई हो जाता है इस चार्ज का ध्यान रखना ऐसे ही यहां पे टू एन नॉट थ्री एन नॉट फोर एन नॉट सारे मिलेंगे जहां पे एन नॉट की वैल्यू ये होगी यहां पे ओनली ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे जहां पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये होगी तो इंड करेक्शन पे बेस्ड इंड करेक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग क्योंकि तो जैसे जैसे पानी का देखो बेटे से वाटर फ्लो होता है पाइप में तो देखते हैं कि किसी पाइप से वाटर फ्लो होता है तो कुछ जो वाटर का जो रेडियस होता है उसी रेडियस से कुछ आगे तक पानी जाता है फिर उसके बाद ऐसे फैलता है सेम ऑर्डर साउंड में भी होता है जब साउंड वेव किसी ऑर्गन पाइप से होकर जब बाहर निकलती हैं तो जिस ऑर्डर में वेव है उसी ऑर्डर में प्रेशर प्रेशर वेव की तरह क्रिएट करती हैं तो वो कुछ आगे तक वैसी ही रहती फिर उसके बाद वो स्केटर्ड होती हैं इसका मतलब जो डेंसर रेरर मीडियम की जो बाउंड्री है जस्ट इसके माउथ पे नहीं थोड़ा आगे और इसी ये जो आगे की जो वैल्यू जो कितना आगे शिफ्ट करेगा इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट करता है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ई बराबर पॉइंट सिक्स आर आपको ध्यान रखना है जितना ज़्यादा रेडियस उतना ही ज़्यादा शिफ्ट करेगा ओपन आर्गन पाइप एक दोनों इंड पे इंड करेक्शन होगा क्लोज आर्गन पाइप में सिर्फ एक इंड पे होगा इससे जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आएगा ये हमने देख लिया ये वैल्यू होगी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंड करेक्शन ओके थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे थैंक यू अगेन। ऑन स्टडी स्टडीज ऑलवेज ऑन कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए स्टून पर बने रहिए